हेलो एवरीवन, आज की वीडियो की शुरुआत मैं कर रही हूँ क्योंकि सनी ने मुझे कहा है कि तू बिल्कुल कभी भी वीडियो की शुरुआत नहीं करती, आज तू ही करेगी। तो अच्छा आज सिर्फ अच्छा मैं और कर लिया है, नहीं मम्मी तो अभी पंगा हो जाना आज की वीडियो की शुरुआत मैं और मम्मी करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा काम हमारा ही है। अभी चल रहा है शादियों का सीज़न, और जब शादी की बात आती है, जब कोई शादी का इनविटेशन आता है, कुछ आता है, सबसे पहले दिमाग में एक चीज़ चलती है, क्या पहनेंगे। क्या पहनेंगे हम मेरे भी दिमाग में है, मम्मी के दिमाग में भी यही है, बट वो हमने अभी साइड पे रखा है क्या पहनना है या नहीं पहनना। उसके बाद दूसरा जरूरी काम क्या होता है? अरे यार, जब से तुम गए हो हाँ वैंकूवर और आए हो तो मेरी तो हालत खराब रही है। थ्रेडिंग व्रेडिंग कर दे अच्छा, मेरी वो तो थ्रेडिंग पे पहुंच गई। मैं तो सोच रही थी कि दूसरा काम होता है कि गिफ्ट वगैरह कुछ ढूंढना, तुम्हारा काम है बट यार, ढूंढो तो ये सारी डिस्कशन इसलिए हो रही है क्योंकि हमें एक शादी का इनविटेशन आया और जिसपे हमें संगीत पे जाना है और शादी पे जाना है, और उसके लिए हमें करनी है गिफ्ट शॉपिंग, और मम्मी की तैयारी करनी है, और कपड़े बाद में करने हैं, जो भी करना है। उसके लिए आज चलते हैं पहले गिफ्ट शॉपिंग, और उसके बाद मम्मी को तैयार करते हैं शादी के लिए, इनकी डेंटिंग पेंटिंग। वही। फिर हम निकल तो जाते हैं अभी शॉपिंग करने के लिए, पर कहानी है कि मनी और सैंड्रा गए हुए हैं जरूरी काम से बाहर, तैयारी कर रहे हैं एंगेजमेंट के लिए, और हम इंतजार कर रहे हैं ग्यूम का, वो आने वाला है। अब हम नहीं चाहते कि भाई वो पीछे आए हो, घर पे कोई भी ना हो दरवाज़ा खोलने के लिए। तो जैसे ही वो आएगा उसको थोड़ा बैठाएंगे, गपशप मारेंगे, फिर जब मनी आ जाएगा उसके बाद फिर हम निकलेंगे। और मैं तब तक मम्मी की थ्रेडिंग कर देती हूँ, है मम्मी? जब तक वो नहीं आते, कर बाहर तो देना, जा नहीं सकते। हाँ, फिर बिजी हो जाएंगे। फिर बिजी हो जाएंगे। चलो फिर हो जाओ चलो शुरू। यहाँ बैठिए प्लीज। मैंने ना वैसे मम्मी कोविड के कारण देखा था, वहां मैंने वैंकूवर में कराई थी ना, वो जैसे अभी मुंह में थ्रेड डाल के करते हैं ना, मुंह में नहीं डालते, तो उन्होंने नया तरीका ढूंढा है, ऐसे ही आप बांध लेते हैं और अच्छा फिर करते हैं। अच्छा ये भी हाँ, ठीक है। कोविड के चक्कर में हाँ, ऐसे कर रहे हैं वो। मास्क लगा नहीं सकते थ्रेडिंग में? नहीं, मास्क उन्होंने अगर लगाया होता है, जो थ्रेडिंग करनी नहीं, होती है मुंह ना, से करने के लिए मास्क लगाना हटाना हटाना पड़ता, पड़ेगा। वो हटा नहीं सकते। हाँ तो इसलिए हाँ ये अच्छा तरीका हाँ है। ये अच्छा तरीका है, बट मैं तो ऐसे ही करूंगी अब। वी आर फुली वैक्सीनेटेड हैं, फुली वैक्सीनेटेड हर घर के। एक हाँ, हर टाइम का सहारा है तो फिर हमारा कहाँ क्या से कराई थी आपने पिछली बार? अरे पिछली बार वो मुझे सेंड्रा ले गई थी अच्छा, मुझे लगा नहीं मैंने की है इसलिए मैं बोलने लगी थी, ठीक नहीं हुई थोड़ी सी ऐसे होता है। उसने थ्रेडिंग नहीं करी थी, हाँ उसने वैक्सिंग करी थी। अच्छा, मैं हाँ मजाक कर रही हूँ जब पार्लर्स पे जाते हैं तो बोलते रही है ऐसे, हाँ पिछली बार कहाँ से कराई थी। बट एक बंदा फिक्स होता है जिससे हमेशा करवाते अब हैं। मेरी तो पक्की फिक्स है। ये ऐसा स्किल है जो कॉलेज में सीखा था और कनाडा इतना काम आया ना हमें पता नहीं कितने लोगों की थ्रेडिंग कर चुके हैं। तो मतलब थ्रेडिंग वाला काम तो आपका हो गया, अब ये बताओ कि हम गिफ्ट क्या दे रहे हैं। गिफ्ट क्या दे? सजेस्ट सजेस्ट गिफ्ट भैया, न्यूली मैरिड कपल को तो देखो यहाँ रहते हैं तो अब शादी होगी, नई घर गृहस्थी बरसानी है। तूने तो बताया था कि नया घर भी ले रहे हैं, तो जब शादी के बाद नया नई गृहस्थी बसाएंगे, नया घर सजाएंगे, तो हाँ, घर की चीज़ें भी तो ज़रूरी घर चाहिए की। होती है ना, हाँ, तो देखो घर की कोई चीज़ अच्छी सी ढूंढ लो, मैं देख सोच लो। रही थी कि जब हमारी शादी हुई थी क्या चाहिए था हमें सबसे ज्यादा जरूरी, कुछ ऐसा ना घर का सामान की अब सबसे ज्यादा जरूरत हाँ, होगी। जो चीज़ यूज हो जाए, तो रोज काम यूज आए करेगी, रोज याद करेगी तेरे को आपको करेगी, आंटी ने बताया था। चलो भाई कंटिन्यू कंटिन्यू। They're back, they're back.
हमारा खाना सुबह से खाना नहीं खाया। मम्मी स्पीक इंग्लिश विद गाय हु डजंट स्पीक इंग्लिश। मम्मी नो स्पीक इंग्लिश विद अस। तो ये अब हम निकलने लगे थे, ये लोग आ गए, ग्यूम भी आ गया था, मनी भी आ गया, ये लाया सामान। अब हमने कहा भाई हम ऐसे नहीं जाते, थोड़ा टेस्ट करके जाते हैं। मामला खूब सारा आया हुआ है ना जी, भूख भी लग रही है, सुबह से खाया नहीं कुछ। इसको देख के तो वो और लग गई होगी। खाना वाना हो गया, कुछ ज्यादा ही खा लिया हम सब लोगों ने। मम्मी की तो हालत पस्त हो चुकी है, मम्मी कह रही है मैं नहीं जा रही, तुम लोग जाओ अपना करके आओ शॉपिंग शॉपिंग। नहीं मम्मी को मैंने लालच दे दिया है। क्या लालच दिए? कि वहाँ पे बर्तन सेल पे लगे कह रही चल रही हूँ। मम्मी पढ़ने वो आ रहे हो मेरे को। मम्मी कहती ठीक है मैं चल रही हूँ। मैंने कहा दीदी ने बताया था बड़ी सेल लगी हुई है वहाँ पे। मम्मी की कहते हैं हालत थोड़ी ऐसी, मम्मी को नशा चढ़ा हुआ खाने का, तो वो उतारना है, तो अब जरा कॉफी नशा चढ़ाया जाए। आज इनका ड्राइव थ्रू बंद है तो मुझे अंदर जाके लेके आनी पड़ेगी। ये लो मम्मी नोश फरमाइए। थोड़ी सी भी होंगे बाकी तुम भी पीना। हाँ हाँ जितनी पीनी है पियो। ये पहले आ जाता मम्मी। माता आपका हमेशा का यही है, हमें पता है हाँ, कि खत्म हमने ही करनी है। तो ये अब ऐसी जगह पे आओ और माता जी अपने मतलब सामान ना ढूंढे तो ऐसे कैसे हो सकता है। मम्मी ढूंढ रही है अपने लिए, क्या ढूंढ रहे मम्मी? छोड़ना जो अच्छा दिखेगा ले लूंगी। नहीं तो आप किस पर्पज से देख रहे हो तो बता दो। अरे बड़ा बर्तन, गहरा बर्तन और बड़ा बर्तन, ये इतना है। मनी के लिए चिकन बनाने के लिए खूब हाँ, सारा हाँ। ये इतना है। हाँ जी पसंद नहीं आया? मम्मी कहते थोड़ा छोटा और बड़ा चाहिए। मम्मी गिफ्ट लेने आए हैं, पहला गिफ्ट चलिए देखिए। मम्मी कह रही वो भी देख लेना पर ये देखना ज्यादा जरूरी है मम्मी के लिए। हमारे साथ कहानी है कि जो हमारा जो कुकटॉप है बेसिकली कुकिंग रेंज जो हमारी है वो है इंडक्शन वाली, तो बड़े लिमिटेड से ऑप्शन आते हैं जो अच्छे वाले होते हैं और जो इंडक्शन कंपेटेबल होते हैं। देखना ये कॉपर वाला सेट कितने का है। ये कॉपर का नहीं है, कॉपर लिखा हुआ बट ये $500 का है। $2000 का था ओरिजिनल प्राइस, अब 75% ऑफ तो $500 का है। बताओ 2000 से 500 का लगा, फिर भी 30,000 लाइफ टाइम वारंटी है इसकी। हाँ होगी, अच्छा भी होगा। पर ये इंडक्शन पर चलेगा ये नहीं पता, देखना पड़ेगा। गैस इलेक्ट्रिक सिरेमिक ओवन, सो ये अपने इंडक्शन पे नहीं चलेगा मम्मी। तो ये फिर गिफ्ट तो हमने ले लिया है जो लेना था। अब मैडम कह रही है इनको जाना है यहाँ पे सामने शॉपर्स ड्रग मार्ट कुछ लेने सामान। मुझे पक्की गारंटी ऐसा लेना है कुछ मेकअप का सामान लेकर देखते हैं। कितने लगे सी मैडम घंटा लाता है यार दिख रहा है मेरे को कुछ नहीं है बस। क्या कुछ नहीं है? कुछ नहीं लिया मैं। कुछ नहीं लिया? कुछ नहीं लिया। हाँ क्या है? ब्यूटी ब्यूटी शॉपर ड्रग मार्ट ब्यूटी ब्यूटी। हाँ ओहो एक चीज तो बोलेगी। अच्छा की फिर जाएगी? नहीं जाती अब जाने दूंगा मैं, बहुत हो गया बस। ओके ओए ओए इसका साइज तो देखो।
तो देखो गिफ्ट की शॉपिंग करने के बाद और मैडम की ब्यूटी वाली शॉपिंग करने के बाद हम पहुंच गए फ्रेश को लेने स्पेशली माता जी के लिए चाय, क्योंकि चाय होगी घर में ख़त्म। माता जी ढूंढ रही है अपना देसी सामान देसी सेक्शन में। चाय मिल गई। ट्राई करेंगे बाघ बकरी। ट्राई नहीं करेंगे, हमें आजकल यही पी रहे थे। अच्छा मम्मी ये जब तुम नहीं थे ना, और वो वाली नमकीन पैकेट वाली तो मिली नहीं थी, वो तुम्हारे बैग्स वाली। और बोला ना, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, देखो मी आल्सो वन। No, one. It's just one. It's one. It's one. Yeah, it's just one. Yeah. Mommy, give up. ओहो काट कूट के कोई जुगाड़ नहीं बनेगा। ओहो नया लाना पड़ेगा। और नहीं है? आई डाउट, मेरे ख्याल से घर पे नहीं है। और तुमने तो कहा था तीन पड़े हैं कहीं पर। आई डोंट नो, मैं को देखे थे अब किस जमाने में देखे थे अब मुझे नहीं याद। ठीक है जी, मैंने सोचा कि ले ही आते हैं अभी जाके, ऑफिस है कल मेरा, तो हमारा ऑफिस है कल, तो फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। सो अभी जो खत्म होता है सारे काम अभी खत्म करते हैं। एक कार्ड भी ला ला। ले लो। ठीक है, अच्छा लग रहा? Yeah, looks fine. Yeah. फाइनली काम हो गए, सामान ले आए हम, गिफ्ट लेके आ गए, रैप भी हो गया। गिफ्ट क्या है आपको दिखाएंगे अगली वीडियो में। और जो अभी बाकी काम बचे हैं हमारे वो है कपड़े डिसाइड करना कल के फंक्शन के लिए, वो हम कल सुबह करेंगे। आज तो बस हो गई, अब तो बस क्रैश ही करना है। क्रैश होने वाले हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।